मित्रों कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सी नाम वाले लोगों के बारे में, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के सी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों आज हम सी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने तभी आप सी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों सबसे पहले हम जानेंगे कि सी नाम वाले कैसे होते हैं, संक्षेप में जानेंगे, उसके बाद हम सी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सी नाम वाले कैसे होते हैं। हमेशा खुद के प्रति सचेत रहते हैं और दूसरे की परवाह किए बगैर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। घर परिवार की परवाह बहुत करते हैं। ये लोग दूसरे के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। समस्या का अगर समाधान नहीं मिले तो बहुत जल्दी बेचैन हो जाने वाले लोग होते हैं। काफ़ी जागरूक रहते हैं। अगर कोई सीखने को कुछ भी इन्हें किसी व्यक्ति से मिलता है तो ये उसको सीखने में देर नहीं लगाते और ये लोग दूसरों को अपनी राय बताने में बहुत खुशी जाहिर करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं और हर कोई व्यक्ति इनकी बातों पर ध्यान भी देता है। अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल करते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं। खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं। कभी भी ये लोग लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है। अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते। जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन दौर में भी ये अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जाना जाता है। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद भी सफाई बेहद पसंद करते हैं और प्रत्येक कार्य को भी सफाई से ही करना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी काम मिले सतर्कता पर इनका ध्यान पहले जाता है और अक्सर ये उदार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इनकी कल्पना और निरीक्षण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और गुस्सा जल्दी आता है। इन्हें अपमान बर्दाश्त नहीं होता और जिद्दी होने के साथ साथ हमेशा अपने परिवार में किसी न किसी सदस्य से कोई न कोई छोटी मोटी खटपट इनकी चलती रहती है और इनको अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है और ये लोग कई बार अभिमानी भी देखे जाते हैं। और इनका प्रेम अगर किसी से होता है तो अपने प्रेमी प्रेमिका पर बहुत ही उदार स्नेह, ये कभी कभी अतिरिक्त स्नेह की बौछार भी कर सकते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने जीवन साथी को बहुत ही सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफी आदर्शवादी होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं सी नाम वाले। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं कि सी नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मई और जून के महीने में। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंध की बात करेंगे। 15 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद 15 जून से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है और 15 मई से 15 जून तक का जो समय है वो सामान्य परिणाम दिखाएगा। तो प्रेम संबंधों में कुछ मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा, लेकिन 15 मई तक के समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने साथी के साथ अहम से बचें, क्रोध से बचें और व्यर्थ के बाद विवाद बिल्कुल ना करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। 15 मई के तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर आपके अहम के चलते और आपके क्रोध के चलते आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। 15 जून से 30 जून तक का समय सबसे बेहतर परिणाम देगा। वहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में।
और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम कहें तो 15 मई तक का समय बेहतर है और उसके बाद 15 जून से 30 जून तक का समय बेहतर है और 15 मई से 15 जून तक का समय सामान्य परिणाम देगा। वहाँ पर आपको वाणी पर संयम बहुत ज़्यादा रखना होगा। अगर प्रस्ताव देते हैं तो आपको वाणी पर संयम रखकर धैर्य और संयम का परिचय देते हुए ही प्रस्ताव देना पड़ेगा और बाकी समय में अगर प्रस्ताव देते हैं यानी 15 मई तक प्रस्ताव देते हैं या फिर 15 जून से 30 जून तक प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर भी वाणी पर तो संयम आपको रखना ही होगा, अहम को तो दूर रखना ही होगा, लेकिन वहाँ पर आपके प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के चांस ज़्यादा होंगे। तो सिंगल लोगों के लिए प्रस्ताव देने का समय ये ज़्यादा अच्छा है 15 मई तक का और 15 जून से 30 जून तक का। अगर आप साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम दिखा सकता है। बात करें आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, अगर आपके प्रेम संबंध मान लीजिए किसी से थे लेकिन आजकल आपके उनसे बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में कैसे आए, तो यहाँ पर भी आप समझ लें कि आप 15 मई तक प्रयास करें, अपने अहम को दूर रखकर करें, गलत फहमियाँ दूर रखें। तो यहाँ पर भी अगर अपने साथी को सारी बातें आप शेयर करते हैं, जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाते हैं, तो 15 मई तक के समय में आपका साथी आपके साथ संबंधों में दोबारा आ सकता है, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो सकती है और आपका साथी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ सकता है। और 15 जून से 30 जून तक के समय में भी ये परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी 15 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है और फिर 15 जून से 30 जून तक का समय भी ज़्यादा बेहतर है और 15 मई से 15 जून तक के समय में वहाँ पर सामान्य परिणाम ही मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अपने वाद विवाद दूर करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा ना लें, डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, ये आपके लिए आवश्यक होगा। प्रेम संबंध अगर नए नए हैं तो आप देखेंगे दोनों महीने बहुत बेहतर जाने वाले हैं, रोमांटिक समय रहेगा, रोमांच भरपूर रहेगा, कनेक्टिविटी भरपूर रहेगी और आपके साथी के साथ मुलाकातें भी होंगी और वो मुलाकातें भी रोमांटिक होंगी। पुराने प्रेम संबंध है, रोमांस जब भी रहने वाला है, लेकिन वहाँ पर अहम और क्रोध को दूर रखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है। और वहाँ पर आप देखें, आप अपने घर वालों को भी मना सकते हैं, अपने साथी को भी मना सकते हैं और वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये मई और जून के महीने आपके प्रेम संबंधों में विवाह संबंधों को बदलने के लिए भी समय अच्छा है, आप अपने साथी को और घर वालों को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सफलता भी मिल सकती है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है, ए लेटर से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है या फिर एम और टी लेटर से शुरू होता है या फिर एफ लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने परिणाम बताए हैं उससे भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा संयमित होकर चलना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि मई और जून दोनों महीने बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं आपके वैवाहिक संबंधों में और इन दोनों महीनों में आपकी यात्रा भी बनती है। और अगर यात्रा होती है तो वहाँ पर अगर वैवाहिक संबंधों में कोई वाद विवाद है तो आप देखेंगे कि वो वाद विवाद आपके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों महीने अच्छे हैं, मतभेद दूर करने के लिए भी दोनों महीने अच्छे हैं, आपसी बात विवाद आप दूर कर सकते हैं, वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं, प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कि कोई ना कोई रिश्ता उनके जीवन में आए, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर भी आप देखें तो आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपके रिश्ते की बात बन सकती है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। जिन लोगों की कहीं कोई बातचीत चल रही है लेकिन कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, उनकी बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है, तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर मई और जून दोनों बेहतर हैं, मई का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है। हालांकि मई और जून दोनों महीने आप प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है और शादी की बात पक्की भी हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे अवश्य ही होंगे जिनकी शादी की बात पक्की भी होगी और जिनकी शादी भी इन दोनों महीनों में होगी। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के लिए मिला जुलाकर अगर देखें तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना होगा, अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा। इन बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में आपके लिए अच्छे परिणाम रहने वाले हैं।
चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के लिए आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को भी करें। रोजाना कर सकें तो बहुत बेहतर है, वरना मंगलवार और शनिवार को आप अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।